नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 5 फरवरी 2020 है। आज हर रोज की तरह हम पहले निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। ये वीडियो हिंदी में होता है क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से हिंदी में अपनी काम और सोच में प्रोत्साहित होंगे कि हिंदी में ही काम करें, हिंदी में ही सोचें। आखिर हमारी भाषा हिंदी ही है। सबसे पहले हम निफ्टी में आज क्या हमारी योजना थी और हमने क्या किया उसकी बात करेंगे और फिर कल का क्या रुख बनता है वो देखेंगे। कल हमने देखा था कि भाई एक दिन की बहुत बड़ी तेज़ी हुई थी कल, उसके बाद आज फॉलो थ्रू भी हो सकता है और हो सकता है कि बाज़ार नीचे भी जाए। इसलिए हम कभी कभी ऐसा करते हैं, आज हम तैयार थे दोनों रुख लेने के लिए, तेज़ी का भी मंदी का भी साथ। वो मैंने आपसे ये कहा था कि आज के लिए हम अगर एक ट्रेड हमारा गलत हो जाएगा तो हम दूसरी साइड का ट्रेड ले लेंगे, यानी हम दो ट्रेड भी ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि फॉलो थ्रू आने के पहले कई बार है ना, बाज़ार नीचे आ जाता है फिर ऊपर जाता है, या अगर बाज़ार को नीचे आना होता है इतनी बड़ी तेज़ी के बाद तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वो नीचे आता है। तो हम आज के लिए दो ट्रेड भी लेने को तैयार थे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। बाज़ार सुबह खुला और आधे दिन सुस्त रहा लेकिन नीचे नहीं आया, वहाँ पर ख़रीदारी के कई मौके मिले गए और उसके बाद अंतिम 2-2.5 घंटों में बाजार ने बहुत अच्छी तेज़ी ली, 100 पॉइंट की तेज़ी के बाद बंद हुआ। तो यदि आपने मान लीजिए शॉर्ट का ट्रेड लिया भी होता तो भी मेरी ये सलाह थी कि हम दो ट्रेड लेने को तैयार हैं। जब 15 मिनट के हाईस टूटते हैं तो हम लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते थे। तो कुल मिला के आज की ट्रेडिंग लॉन्ग साइड की थी, ये बात हमने कल तय की थी कि हम लॉन्ग का ट्रेड ले लेंगे, शॉर्ट का भी लेंगे, शॉर्ट का मौका नहीं आया। और कहाँ मुनाफा लेना है कहाँ निकलना है ये अपने अपने ऊपर निर्भर करता है, पर दिन सही गया। अब दो दिन सही चले गए, कल क्या करेंगे ये भी एक प्रश्न चिन्ह हो गया है। मुझे लगता है कि कल इतनी वॉलेटिलिटी के बाद ये अंदाज करना मुश्किल है कि बाज़ार क्या करेगा। जो तेज़ी हम देख रहे हैं हो सकता है ये तेज़ी बरकरार रहे, कोई आश्चर्य नहीं है कि फिर हम 50, 60, 100 पॉइंट ऊपर जाएं। माने मुझे इसका ज्ञान भी नहीं है, संज्ञान भी नहीं है, लेकिन आश्चर्य नहीं होगा। पर हम कैसे ट्रेड करेंगे? मान लीजिए बाज़ार ऊपर खुलता है उसके बाद हम खरीदते हैं और 50 पॉइंट नीचे आ गया, हम कितनी देर रखेंगे? हम अपने लॉन्ग ट्रेड्स को कब तक संभाल के रखें, कब स्टॉप आउट हो जाए? 50 पॉइंट नीचे आना कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा, निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जा चुका है, हो सकता है नीचे आने के बाद तो फिर ऊपर चला जाए। तो हम रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह है। जब रिस्क मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसलिए कल हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। रुख थोड़ा सा तेज़ी का दिख रहा है पर रिस्क मैनेज करने के तरीके नहीं निकल रहे, इसलिए चुप बैठे रहेंगे। कल हम ट्रेड नहीं करेंगे, बाज़ार में जो होता है उसको देखेंगे। वैसे भी पिछले दो दिन की ट्रेडिंग बहुत बढ़िया गई है तो हम आराम कर सकते हैं, नहीं अच्छी जाती तो भी आराम कर सकते थे, इसलिए ऐसा नहीं है कि पिछले दिनों से आगे का कोई रुख बनता है। कल ट्रेड नहीं करेंगे, वॉलेटिलिटी हो सकती है ना हो, हमारे पास रिस्क मैनेज करने का कोई तरीका नहीं है, सो चुप बैठे रहेंगे। कल देखते हैं क्या दिन भर मार्केट करता है, उसके बाद शाम को हर रोज़ की तरह हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।